डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े ने कोरोना मरीजों की ओर से अवैध तरीके से वसूले 94,96,000 रुपए मरीजों को लौटाए, ऐसी मांग पत्रकार परिषद में यंग चांदा ब्रिगेड की ओर से यंग चांदा ब्रिगेड के शहर संगठक पंकज गुप्ता ने की है। कोरोना काल में भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े ने अवैध तरीके से बेड संख्या बढ़ाकर मरीजों की लूट की है। इस बारे में चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से उन्हें 4 बार नोटिस भी दी गई है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मनपा की भूमिका पर संदेह उपस्थित हो रहा है। लेखा परीक्षण अहवाल में भी निर्धारित रकम से अधिक रकम मरीजों की ओर से वसूलने का स्पष्ट हुआ है, जिससे मंगेश गुलवाड़े ने कोरोना काल में मरीजों की ओर से वसूले पैसे मरीजों को तत्काल लौटाए, ऐसी मांग आयोजित पत्रकार परिषद में यंग चांदा ब्रिगेड के शहर संगठक पंकज गुप्ता ने की है। साथ ही 80 बेड पर उपचार ले रहे मरीजों के लिए मंगाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में भी जांच की जाए, ऐसी मांग पत्रकार परिषद में यंग चांदा ब्रिगेड की ओर से की गई है। इस पत्रकार परिषद को यंग चांदा ब्रिगेड के शहर संगठक पंकज गुप्ता, युवा नेता तथा शहर संगठक कलाकार मल्लारव, आदिवासी विभाग के जिलाध्यक्ष जितेश कुड़मेथे, शिक्षण विभाग के प्रमुख प्रतीक शिवनकर, घुघुस शहर संपर्क प्रमुख विलास वनकर, धारीवाल कामगार विभाग के अध्यक्ष रुपेश झाड़े आदि की उपस्थिति थी। कोरोना काल के अंदर जो चंद्रपुर में डॉक्टर गुलवाड़े हॉस्पिटल है, वो चर्चा का विषय बना रहा। कभी बेड की संख्या को लेके, कभी पल्स ऑक्सीमीटर को लेके, कभी क्या होते रुग्णों से ज्यादा पैसे वसूलने के को लेके बार बार मनपा द्वारा उन्हें एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच नोटिस भेजी गई, लेकिन उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। एक आयाम के अध्यक्ष को और एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को, चेयर अध्यक्ष को ऐसी चीज करना बिल्कुल भी गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गरीब जनता से जो पैसे लूटे गए, जो जिनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए रुग्ण से पैसे अगर लूटे गए होंगे, तो हमने कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को मिलके अभी मांगनी की है कि उस पर उचित कार्रवाई की जाए और जो भी क्या दोषी निकलता है उसको वो दंड दिया जाए।